स्वागत है दोस्तों। आज हो चुका है 15 अक्टूबर 2019 मंगलवार। आज के मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस और अपडेट का वीडियो आ चुका है। कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरें, मौसम की जानकारी है, मोदी सरकार की ओर से नए नियम और बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर अपडेट, सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर बड़ी खबर आ रही है, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ा अपडेट है, साथ ही भर्ती परीक्षा को लेकर भी बड़ी खबर आई है, कार चलाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर अपडेट, एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा अपडेट, सरकारी नौकरी में आयु को लेकर उम्र सीमा को लेकर बड़ी खबर अपडेट, पीएफ खाताधारकों के लिए भी बड़ी खबर आई है। तो जानते हैं दोस्तों जल्दी से जल्दी इन तमाम बड़ी खबरों के बारे में। प्यार भरा सा लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी वीडियो को जरूर शेयर करते रहिएगा दोस्तों। अच्छा, बात कर लेते हैं आज का माइंड क्विज़ वाला सवाल। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज यानी भाषा कौन सी है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर बताइएगा। अगर आप रेंडमली सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमारी टीम की ओर से आपको एक बम्पर सरप्राइज पुरस्कार भी मिल सकता है। अच्छा, बात कर लेते हैं आज का ताजा खबर अपडेट। पहली बड़ी खबर वेदर न्यूज अपडेट के साथ, मौसम को लेकर बड़ी खबर आई है। अगले 24 घंटे 40 से ज्यादा शहरों में भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मानसून अभी विदा नहीं हुआ है, मानसून अभी बाकी है। देश भर में अब मानसून अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहा है, बावजूद इसके कई राज्यों में अब भी झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार देश के दक्षिणी इलाकों से लेकर मध्य भारत तक कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश के आसार है। अगले 24 घंटे में देश के 10 राज्यों के 40 से ज्यादा शहरों में अच्छी बारिश के आसार है। मौसम की जानकारी देने वाले निजी संस्था स्काईमेट के मुताबिक तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना। वहीं केरल, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक में भी कई इलाकों में मध्य से लेकर तेज बारिश तक के आसार है। ऐसे में मछुआरों को समुद्र के करीब न जाने की सलाह भी दी गई है। पूर्वोत्तर इलाकों की बात करें तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह में भी मानसून का असर देखने को मिलेगा। देश के मध्य इलाकों में भी निम्न दबाव क्षेत्र का असर देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में अभी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। उड़ीसा में भी अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही गंगीय पश्चिम बंगाल और बाकी बचे पूर्वोत्तर भारत, कोंकण, गोवा सहित विदर्भ के हिस्सों में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने के अनुमान है। आज की अगली बड़ी खबर अपडेट है, सौरव गांगुली को चुना गया है बीसीसीआई का अध्यक्ष। राजीव शुक्ला ने किया ऐलान। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इस बात का ऐलान बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने किया है। आज की अगली बड़ी खबर है, नोबेल पुरस्कार को लेकर पति पत्नी दोनों को मिला नोबेल पुरस्कार, जानिए कौन है अभिजीत विनायक बनर्जी। नोबेल पुरस्कार की फहरिस्त में भारत का एक और नाम जुड़ गया है। भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को साल 2019 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो दोस्तों ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। नोबेल पुरस्कार को लेकर विस्तार से जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की, पीएमसी बैंक को लेकर बड़ी खबर आई है। आरबीआई ने दी ग्राहकों को राहत, खाते से निकाल सकेंगे 40,000 रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को फिर से राहत देने का ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि ग्राहक अपने खातों से कुल 40,000 रुपए निकाल सकेंगे। इसको लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने डिटेल से जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी दिखाई है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, आईआरसीटीसी की शेयर मार्केट पर बम्पर लिस्टिंग, लाखों निवेशक हुए मालामाल। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम आईआरसीटीसी ने स्टॉक मार्केट पर सोमवार को धमाकेदार एंट्री की है। आईआरसीटीसी का शेयर 644 पर लिस्ट हुआ, जबकि इसका इश्यू प्राइस 320 रुपए प्रति शेयर पर जारी किया गया था। इसके आईपीओ को जितनी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी उसको देखते हुए इस बात की उम्मीद थी कि इसके निवेशकों को इससे जरूर फायदा होगा। साथ ही आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, बैंकों ने बदला लोन देने का तरीका, सैलरी नहीं अब ये स्कोर देखकर देंगे लोन। तीन सरकारी बैंकों, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सिंडिकेट बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट स्कोर के आधार पर लोन देना शुरू किया है। साथ ही आज की अगली बड़ी खबर में देख सकते हैं, हाईवे पर नहीं लगेगा ट्रैफिक जाम, टोल प्लाजा पर सरकार जल्द लागू करने वाली है नए नियम। माल वाहनों के लिए बिना रुके टोल भुगतान की फास्टैग सुविधा को जीएसटी ईवे बिल प्रणाली से जोड़ने के लिए भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड और माल एवं सेवा कर नेटवर्क जीएसटीएन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये करार एक राष्ट्र एक फास्टैग पर आयोजित एक सम्मेलन में किया गया। तो व्यापारियों के लिए बड़ा अपडेट है दोस्तों। आज की अगली बड़ी खबर में फिर से एक और बड़ा अपडेट आया है, आम जनता को त्योहारों में मिली राहत, सितंबर में 0.33% रही थोक महंगाई दर। सितंबर महीने में आम लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिली है, इस महीने थोक महंगाई दर 0.33% रही, जबकि अगस्त में 1.08% थी। अगली बड़ी खबर है आज की ताजा खबर में देख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ओबीसी बैंकों की बदलने जा रही है पहचान, मिलेगा नया नाम और लोगो। तीन सरकारी बैंकों, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के विलय के बाद बनने वाले बैंक को नया नाम मिल सकता है, साथ ही उसको नया लोगो भी मिल सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि बैंक के नए लोगों के लिए एक बाहरी विशेषज्ञ को भी जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह की खबरें हैं, फिलहाल ऐसा अपडेट हुआ नहीं है लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, आईएमसी 2019, रिलायंस जियो ने लॉन्च किया वीडियो कॉल असिस्टेंट। रिलायंस जियो ने आईएमसी 2019 इवेंट में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वीडियो कॉल असिस्टेंट बोट लॉन्च कर दिया।
दिया है जिसे 4G फोन कॉल के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। जियो वीडियो कॉल असिस्टेंट की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका उपयोग करने के लिए यूजर को अलग से कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा और न ही इसका इस्तेमाल करते समय कॉल वेटिंग जाएगी। आज की अगली बड़ी खबर में देख सकते हैं, देवताओं के नजराने और बजंतरियों के भत्ते में बढ़ोतरी, सीएम ने लगाई घोषणाओं की जड़ी। ये खबर आ रही है दोस्तों हिमाचल प्रदेश को लेकर। 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के समापन समारोह में सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणाओं की जड़ी लगा दी है। बजंतरियों के भत्ते को भी 15% बढ़ाने का ऐलान किया है। तो डिटेल से जानकारी अपडेट आप यहां पर देख सकते हैं। आज की अगली बड़ी खबर आई है दोस्तों, अब भारतीय सीमा के भीतर नहीं घुस सकेंगे ड्रोन, मार गिराने का आदेश जारी। पंजाब से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हाल के दिनों में पाकिस्तानी ड्रोन के आने की बढ़ती घटनाओं के बीच सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। एक सरकारी सूत्र के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को भारतीय सीमा में आने वाले ड्रोन को मार गिराने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि 1000 फीट और उससे नीचे उड़ने वाले ड्रोन को लेकर यह आदेश जारी किए गए हैं। आज की अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा के लिए आयु समय सीमा तय, अब इस उम्र से ज्यादा के लोग नहीं दे पाएंगे परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने कक्षा 10 की रेगुलर परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा करने का फैसला लिया है, जिसके लिए यूपी बोर्ड शासन को अपना प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव में लिखा गया है कि कक्षा 10 के छात्रों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और अधिकतम आयु 18 वर्ष होनी अति आवश्यक है, यानी 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले छात्र हाई स्कूल की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश शासन से मंजूरी मिलने के बाद अगले सत्र से इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। हालांकि 10वीं की प्राइवेट परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए नियम बाध्यकारी नहीं होगा। आज की अगली बड़ी खबर आई है दोस्तों, ICICA एडमिट कार्ड 2019 को लेकर, सीए परीक्षा को लेकर बड़ी खबर है। सीए इंटरमीडिएट फाइनल का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। ICIExam.ICI.org से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज की ताजा खबर अपडेट में देख सकते हैं, बंपर भर्ती को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। LIC बंपर भर्ती में बड़ा अपडेट हुआ है। जीवन बीमा निगम में ऑफिस असिस्टेंट के 8500 पदों पर होने जा रही बंपर भर्ती को लेकर बदलाव आया है। LIC ने प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है, जिसे लेकर LIC की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 2019 को किया जाएगा। LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ये नोटिस देख सकते हैं। आज की अगली बड़ी खबर आई है, कार चलाते हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा ये काम, अन्यथा देना पड़ेगा आपको दुगुना टोल टैक्स। अगर हाईवे पर कार चलाते हैं तो आपको दुगुना टोल टैक्स देना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आपको फास्ट टैग लगाना होगा। 1 दिसंबर से हाईवे पर वाहन में बिना फास्ट टैग लगाए यात्रा करना महंगा साबित हो सकता है। तो फास्ट टैग को लेकर डिटेल से जानकारी स्क्रीन पर आपको दिखाई गई है। आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, सीएम केजरीवाल ने की घोषणा, दिल्ली में खुलेगी स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। दिल्ली में स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। रोजगार उन्मुख शिक्षा देने वाले इस विश्वविद्यालय में 6 महीने से लेकर 2 साल तक के कोर्स संचालित होंगे। दिल्ली की ITI का इस यूनिवर्सिटी में विलय कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को इस आशय की जानकारी दी है। बात करते हैं दोस्तों आज की अगले बड़ी खबर की, होनर ने पेश किया दुनिया का पहला पॉपअप कैमरा वाला स्मार्ट टीवी, अगले साल भारत में हो जाएगा लॉन्च। IMC 2019 को लेकर अपडेट आया है। दिल्ली के एरो सिटी में आयोजित 3री इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2019 यानी IMC में चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी होनर ने दुनिया का पहला पॉपअप कैमरा से लेस स्मार्ट टीवी की झलक दिखाई है। इस स्मार्ट टीवी में आप वीडियो कॉल भी कर सकेंगे, तो ये अगले साल हमारे इंडिया में भी लॉन्च होने की उम्मीद है। आज की अगली बड़ी खबर में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में 6 नए स्टोर खोलेगी वॉलमार्ट, लोगों को मिलेगा सस्ता सामान। अमेरिका की रिटेल कंपनी वॉलमार्ट इंक की सहायक इकाई वॉलमार्ट इंडिया ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में 6 और होलसेल स्टोर खोलने का ऐलान किया है। आज की ताजा खबर अपडेट में बड़ी खबर है, IMC 2019 को लेकर ही, रसोई गैस लीक होने पर घर में नहीं लगेगी आग, हीरो इलेक्ट्रॉनिक्स ने पेश किए होम सॉल्यूशंस। अक्सर घरों में रसोई गैस के लीक होने की खबरें सामने आती रहती है, यदि इस पर समय रहते काबू नहीं किया जाता है तो इसमें आग लगने की संभावना बनी रहती है। कई बार आग लगने के कारण बड़े पैमाने पर जान माल की हानि भी हो चुकी है। दरअसल हीरो इलेक्ट्रॉनिक्स ने दिल्ली के एरो सिटी में आयोजित इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2019 में नया होम सॉल्यूशन क्यूबो पेश किया है, और इस तकनीक में रसोई गैस लीक होते ही आपके पास एक अलर्ट आएगा और आप तुरंत पर काबू पा सकेंगे। कंपनी का दावा है कि ये पूरी तरह से आपके घर को सुरक्षित रखेगा, यानी गैस सिलेंडर से संबंधित जानकारी मिलेगी। अगर आपका गैस लीक हो रहा है तो क्यूबो आपको सतर्क कर देगा ताकि आप समय रहते लीकेज को ठीक करवा पाएंगे। तो ये अच्छा अपडेट है दोस्तों। साथ ही अगली बड़ी खबर है, IMC 2019 को लेकर ही, दिल्ली NCR में जल्द ही किराए पर मिलेगा इलेक्ट्रिक स्कूटर, OTP से स्टार्ट होगा, तो ये भी जानकारी निकल कर आई है। इसके अलावा बड़ी खबर में दोस्तों, सरकारी पोर्टल GeM बन सकता है भारत का अमेज़न। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि उनका मानना है कि सरकार का पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GeM
भारतीय उत्पादों को बेचने में अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह काम कर सकता है। तो ये सरकारी खरीद के लिए दोस्तों GeM पोर्टल इस्तेमाल होता है। छोटे बड़े सभी व्यापारियों के लिए भी अच्छी काम की खबर है। साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पोर्टल पर दिए जा रहे डिस्काउंट पर केट ने विभिन्न ब्रांड कंपनियों से मांगा स्पष्टीकरण। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर जिस तरह से आप देखते हैं फेस्टिवल सीजन या दिवाली सेल या फिर ऑफर्स और डिस्काउंट जो दिए जा रहे हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट पर, इसको लेकर यह बड़ी खबर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, मारुति ने लॉन्च किया इस पसंदीदा कार का डीजल वेरिएंट। सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने पॉपुलर कार मारुति अर्टिगा 2RM का डीजल वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। विस्तार से जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज की अगली बड़ी खबर में देख सकते हैं, सरकार ने शुरू की ऐसी योजना, अब टोल प्लाजा पर नहीं रुकेगा उत्तर प्रदेश। अब टोल प्लाजा पर उत्तर प्रदेश नहीं रुकेगा। वन नेशन वन टैग के NHAI के साथ एक योजना लागू की है। इस अभियान से समय, ईंधन और पैसा तो बचेगा ही, साथ साथ एक्सीडेंट भी कम होंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर फास्ट टैग करेगा डिजिटल ट्रांजेक्शन, आप देख सकते हैं। सोमवार को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस अभियान का लॉन्च किया है और राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि यातायात को सुगम, सुरक्षित और सस्ता बनाने के लिए इस अभियान को अपने राज्यों में लागू करें। विस्तार से जानकारी आप देख सकते हैं। आज की अगली बड़ी खबर में दोस्तों, जनरल कैटेगरी के गरीबों को नौकरी के लिए उम्र में छूट देने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। इस जनहित याचिका के जरिए मांग की गई थी कि केंद्र सरकार को सभी भर्ती में जनरल कैटेगरी के गरीबों को आयु वर्ग में छूट देने के निर्देश दिए जाएं। तो इस तरह की जो याचिका थी वो खारिज हो गई है। अगली बड़ी खबर में देख सकते हैं, EPFO ने शुरू कर दिया है PF खातों में ब्याज का पैसा देना। इससे आप ऑनलाइन या SMS से अपने बैलेंस चेक कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 6 करोड़ से अधिक सदस्यों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा देना शुरू कर दिया गया है। EPFO ने PF खातों में ब्याज क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अगर आपका भी PF अकाउंट है तो ये पूरी जानकारी ध्यान से स्क्रीन पर इस वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, किस तरह से आप अपने मोबाइल नंबर से ही बैलेंस चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगले बड़ी खबर में दोस्तों, वित्त मंत्री ने की RBI प्रमुख के साथ बैठक। PMC घोटाले को लेकर गवर्नर ने दिया आश्वासन। सरकार पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी PMC बैंक मामले से जुड़े घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को ये बात कही है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भरोसा दिया है कि PMC बैंक के ग्राहकों के हितों की रक्षा की जाएगी। आज की ताजा खबर अपडेट में बड़ी खबर सोने चांदी के ताजा रेट में, आप देख सकते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे में। सोमवार को दिल्ली सरफा बाजार में सोना 230 रुपए चमक कर 39,370 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी 110 रुपए की मजबूती के साथ बाजार बंद होते समय 46,750 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। जानकारों की मांगे तो आने वाले दिनों में सोना एक बार फिर से 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार जा सकता है, ऐसी खबरें चल रही है। की ताजा खबर अपडेट और बंपर खबर में बड़ा अपडेट देख सकते हैं। ICICI बैंक में FD करवाने पर मिलेगा फ्री इंश्योरेंस का लाभ। लॉन्च किया FD हेल्थ। तो दोस्तों, ICICI बैंक में जो FD करवाएंगे, 2 से 3 लाख रुपए की फिक्स डिपोजिट करवाएंगे, उनको ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की तरफ से 1 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस कवर उपलब्ध कराया जाएगा, यानी बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतिस्पर्धी ब्याज दर के अलावा दोस्तों, 18 से 50 आयु वर्ग के ग्राहकों को 33 तरह की गंभीर बीमारियों के लिए 1 साल की अवधि के लिए बीमा कवर दिया जाएगा। पॉलिसी के तहत गंभीर बीमारियों की सूची में आप देख सकते हैं कैंसर, फेफड़े की बीमारी, किडनी फेल्योर, लिवर रोग और मामूली ब्रेन ट्यूमर, अल्जाइमर रोग और पार्किंसंस रोग शामिल है। यानी कि दोस्तों, ICICI बैंक को लेकर या FD को लेकर 1 लाख रुपए का आपको बड़ा तोहफा मिल सकता है। विस्तार से जानकारी स्क्रीन पर आपको दी गई है। तो दोस्तों, इसी बड़ी खबर के साथ ही आज का टुडे ब्रेकिंग न्यूज, आज के मुख्य समाचार, 15 अक्टूबर 2019 की बड़ी खबरें, माय स्मार्ट गाइड का वीडियो फिनिश होता है। एक नई न्यूज वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।